अस्सलाम वालेकुम का दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्बास फार्मिंग यूट्यूब चैनल और मैं दोस्त अब्बास। दोस्तों आज हम अपने जो फॉर्म पे मौजूद हैं, आपको विज़िट करवाएंगे कि X32 जो सीड वैरायटी है काटन की, उसके हवाले से आपको दिखाएंगे इसकी खसूसियात और ग्रोथ के। मेरे पास 16 दिन के जो है ना फसल है, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको चेक करवाएंगे सीड के हवाले से। तो आप इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने फॉर्म पर। तो 3 एकड़ पर मैंने S32 हैं वो वैरायटी काश्त की हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये मेरी 16 दिन की फसल है, 15 से 16 दिन के लिए जो है ना मैंने काश्त की थी, क्योंकि पहले जो मैंने एक सीड लगाई थी, मैंने वीडियो में बात की थी, वीडियो भी बनाई थी उस सीड की, हवा कि इसकी जर्मिनेशन कम क्या वो हुई नहीं थी, ज़ीरो थी, तो उसके जो है ना ज़ीरो थी, तो उस हवाले से मैं वीडियो बनाई थी। तो मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो और सीड का नाम भी पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कौन सी वैरायटी, जो वैरायटी थी सीड की कंपनी थी, उसकी मैंने जो मुकम्मल वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। कि जैसा कि आप अगर अगले साल स्विंग करना कर रहे हैं तो आपको वो एक हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए वीडियो, कि उसकी जर्मिनेशन क्या है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद आपको दिखाना है, ग्रोथ दिखानी है। ये 16 दिन के फसल की है मेरी कॉटन क्रॉप S32 है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पानी की कमी है, इस वजह से थोड़ी स्ट्रेस में है, दबाव में है ये मेरी फसल। तो करीब से दिखाऊँगा मैं आपको, ये देखें माशाल्लाह बहुत है। और आप जब भी 16 से आगे चलकर ये देखें पत्ते माशाल्लाह, ये डिस्टर्ब नज़र आ रहे ना ये थोड़े, ये पानी की वजह से है, अदरवाइज़ कोई और मसला नहीं है। इधर फ़िलहाल हमारे इस एरिया में कोई ऐसा मसला है नहीं जिस वजह से काटन जो ना डिस्टर्ब हो। ओवरऑल हमारे एरिया में बहुत ही अच्छी फसल हो रही है, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर यहाँ तो जो काश्त की जाती है वैरायटीज़ वो S32 हो गई, SS32 हो गई, 111 हो गई और नायाब 878 हो गई, ऐसी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैमाने पर काश्त की जाती है। तो आप अपने हिसाब से अपने इलाके में जो आपकी इलाके में सूट करती हो वैरायटीज़ वही आप काश्त करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से जो है हम ये वैरायटीज़ करते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी का बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बर्दाश्त है। अगर पानी की ऊंच नीच हो जाए तब भी ये पानी की जो है ना बर्दाश्त में है। ये देखिए आप, यानी मैंने 16 दिन के एक पानी लगाया, इसके बाद अभी नहीं लगाया मैंने, तो 2-3 दिनों के बाद मेरी, क्योंकि पानी की बारी है, यहाँ पानी सिस्टम बारियों पर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पानी है, हमारे खुद के जो है ना ट्यूबवेल या नहीं या नहरी निज़ाम है, तो उसकी बारी बनी होती है, हर दिन एक एक किसान का होता है। तो मेरा 2 दिन के बाद है इसको दूंगा, जैसे मैंने बताया कि 16 दिन की फसल है, बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं। मैंने जैसे कहा कि ये S32 या SS32 हो गई, ये इसमें ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस बर्दाश्त है, बहुत पानी की कमी हो गई तो तभी ये बर्दाश्त कर लेती हैं, ज़्यादातर गर्मी हो गई जैसे हमारे एरिया में होती है, डिस्ट्रिक्ट सखर या घोटकी शिकारपुर ये इन अज़ला में ज़्यादातर गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, यहाँ जो भी फसल इस टाइम होना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से आप अपने अपने इलाके के हिसाब से वो वैरायटीज़ करें। अगर आप काश्त करना चाह रहे हैं इन अज़ला में जिसके मैंने नाम लिया है, जैसे सखर हो गया, घोटकी हो गया, शिकारपुर हो गया और खैरपुर हो गया, तो इन अज़ला में ये वैरायटीज़ बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती हैं। गुज़श्ता जो है ना 3-4 साल से ज़्यादातर किसान यही वैरायटीज़ काश्त करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा SS32 की वैरायटीज़ भी, चलते हैं थोड़ा आगे, क्योंकि ब्लॉक 3 एकड़ का है एक ही। तो ये फाइनली ये SS32 है मेरी, उससे 4 दिन पहले की है ये, तो ऐसा समझिए कि 22 दिन की है। ये तो इसके प्लांट्स,
इस पर भी गैप फिलिंग थी, मैंने गैप फिलिंग करवाई है। ये छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं हम प्लांट्स, ये छोटे छोटे, ये मैंने अभी अगली बार में लगाया 8 दिन के, 8 दिन पहले उसके साथ सॉरी, तो ये 16 दिन के। और ये जो है ये प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये 22 दिन के, ये SS32 के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। ये देखिए स्ट्रेस से, बिल्कुल उसमें स्ट्रेस थी थोड़ी अच्छी सी पानी की वजह से, लेकिन ये भी देखें ना, इसको भी 16 दिन हो गए पानी नहीं दिया मैंने, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। करीब से देखें, ये देखें इसकी पत्तों की चमक देखिए आप, बिल्कुल ऑयली होगी इसकी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है इसको। अब इसको मैंने कोई भी खाद वगैरह नहीं डाली, 22 दिन के हो गए। अभी मैं इसको दूंगा इस बारी पे, पहली बारी पे मैं इसको फी एकड़ 10 kg पोटाश दूंगा और 10 kg जो है ना यूरिया दूंगा, और फी एकड़ 1.5 बोरी मैं DAP दूंगा। अगर आप भी यही वैरायटीज़ करना कर रहे हैं, आपके पास है, अगर स्ट्रेस वाली है, अगर आप सिंध में हैं तो ये करें, वरना आप अपनी ज़मीन के हिसाब से जो सूटेबल लगे, जिस समय से आप देते हैं उस हिसाब से दें। अगर आप सिंध में हैं और इन्हीं इलाकों में हैं जिनमें जिनका मैंने नाम लिया है, तो आप ये काम करें, आप जो है ना पहली पानी बारी पर, यहाँ अक्सर जो है ना आबा किसान दोस्त हमारे जो है वो स्विंग के टाइम ही दे देते हैं DAP, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ इसका चेंज है थीम, यहाँ 25 दिन की जब फसल हो जाती है ना तभी ये खादों का तखमीना लगाते हैं, उसमें 1.5 बोरी DAP डालते हैं, 10 kg यूरिया डालते हैं, पहले ज़्यादा डाल देते थे ज़्यादा। आप जब भी किसी भी इलाके में ज़्यादा यूरिया यानी नाइट्रोजन ही खाते इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन ही आप खादें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर खोरा उसकी जो ना ग्रोथ ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है, उसमें ग्रीनिंग आ जाती है, तो जो है ना वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का जो हमला वो ज़्यादातर देखने में आया है। तो गुज़श्ता 2 सालों से यही अब जो है ना यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है, इसकी वजह जो है ना ज़्यादातर ग्रीनिंग है, तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसकी, तो वो ना माल जो इकट्ठा वो नहीं उठाने दे, ये फल नहीं लगते, तो वो उस पर कद पर ध्यान देते हैं, प्लांट्स ज़्यादातर लंबे हो जाते हैं इस वजह से जो है ना। तो आप जब भी दें तो 3 बोरियों से क्रॉस ना करें मुकम्मल ऑपरेशन में, स्विंग से लेकर कटाई तक आप किस्तों में 10-10 kg फी एकड़ डालते रहें। हाँ, इसमें आप दूसरी ओवर आल जो खा दें उसमें ज़्यादातर ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे पोटाश हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, ये आप ज़्यादा डालें तो फसल अच्छी होगी। तो आप जब भी पहली खाद डालें तो 10 kg पर हिसाब से दें, एकड़ के हिसाब से, और उसको फ्लैट करें किसी ड्रम में डालकर, ताकि सभी पौधों को वो मिल सके। तो मैं भी यही करूँगा और आपसे भी मशवरा यही करें आप, इससे आपकी जो है ना खादें ज़ाया नहीं होती, ड्रम से उसमें आप डाल सकते हैं, DAP भी डाल सकते हैं। अगर आप अक्सर काश्तकार दोस्तों की यही शिकायत होती है कि DAP घलता नहीं है ड्रम में, तो आपको एक केमिकल मिलेगा डीप सोल के नाम से, 250 से 200 तक आप पेस्टिसाइड के दुकानों से आपको ये केमिकल मिल जाएगा, तो आप वो ड्रम में डालकर DAP के साथ एक दफ़ा पानी को घुमा देंगे तो वो घल जाएगा। तो इस वजह से भी आप ये काम करके DAP को घाल सकते हैं। तो वीडियो का मकसद बनने का यही था, खादों का हिसाब स्ट्रेस वाले इलाकों में और SS32 इसकी ग्रोथ और स्ट्रेस बर्दाश्त के हवाले से हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो हम नई नई वीडियोस आपको बनाते हैं वो आपको बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका।